हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए दक्षता उन्नयन के तहत विषय गणित आओ करें सीखें कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए लेके आए हैं। ये सत्र 2022-23 का है और ये जो पुस्तक है आपकी, इस पुस्तक को किसके माध्यम से बनाई गई है? पुस्तक राज शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है। और जो आपके लिए हम वर्कशीट लेके आ रहे हैं, ये वर्कशीट स्तर 3 से 5 के बच्चों के लिए है। अब हम वर्कशीट कौन सी लेके आ रहे हैं, 31 और 32, जिसका नाम दिया है आओ करें और सीखें। इसकी गतिविधि का नाम है कौन जीता, उप अवधारणा जोड़ की समझ। अब इसके प्रश्न 1 और 2 को हल करके समझाया गया है। यहाँ पे आपको प्रश्न 1 और 2 हल करके समझाया गया, इसी अनुसार प्रश्न 3 और 4 को आपको हल करना है। तो देखते हैं आप कैसे करना है। हम तो देखिए, यहाँ पे आपका जो प्रश्न 1 और 2 हल करके दिया है, हमने आपको इसके पहले बताए थे कि यहाँ पे 10 तीलियों का एक बंडल बनता है जिसे कहते हैं 10, और जो शेष तीलियाँ रहती हैं तो धन कितनी तीलियाँ, 2, तो 10 और 2, और तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 2 12। तो आप इस प्रकार से 10 2 = 12, और इस बिंडल कितने का बना है, 10, तो यहाँ 10 लिख दिए, फिर धान और तीलियाँ कितनी, 2, और इनको भी जोड़ के देखें तो 10 और 2 = 12। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 2 दिया, देखिए कितने बिंडल दिए यहाँ पे, 1 2, 2 बिंडल आने कितने हो गए, 20, और खुली तीली कितनी है, 4, तो 20 और 4 = 24। फिर धन का चिन्ह, 1 बिंडल 2 बिंडल और खुली तीली कितनी है, 6, इनको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 तीली, तो 10 10 20 और 6 26 हो गया। फिर ये बराबर, तो जब अभी कितने बंडल हो गए, 1 2 3 4, तो ये 4 बिंडल बन गए, 1 2 3 4 बिंडल, और उसके बाद यहाँ पे 6 तीली और ये 4 तीली, 6 तीली और 4 तीली कितनी तीली होगी, 10 तीली, तो 10 तीली का 1 बिंडल बन गया। तो इस प्रकार से आप इसको देख लीजिए, कितने बिंडल बन गए यहाँ पे, बंडल 5 बिंडल बन गए, ना 50 हो गया, कितना हो गया, 50 हो गया। तो इस प्रकार से आपके 2 उदाहरण के रूप में 2 प्रश्न दिए थे। आपको तीसरा प्रश्न करना है। तीसरा प्रश्न हम क्या दिया है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 बंडल हैं और खुली तीली कितनी है, 1 2 3 4 5 6 तीली हैं, तो सबसे तो खुल बंडल कितने हो गए हमारे, 1 3 और 6 36। एक बार तीली गिन लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 5 खुली तीली हैं यहाँ पे, खुली तीली कितनी है, 5 हैं। तो अब क्या करेंगे हम, ये 3 बंडल हैं, 30 और 5 यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 35 आ जाएगा, यहाँ 35 लिख देंगे हम, कितना लिख देंगे, 35। फिर काय का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पे, धन, और यहाँ खुली तीली गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी तीली है, 9 तीली, तो यहाँ कितना लिख देंगे हम, ये 9 लिख दिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितने बंडल, 1 2 3 4 बंडल हैं, 40, और खुली तीली कितनी बची यहाँ पे, 1 2 3 4, तो 40 और 4 44, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 44 लिख देंगे, यहाँ कितना लिख दिए, 44 लिख दिए। अब इसको आप इसी प्रकार जोड़ के कर सकते हैं, 5 में 9 जोड़े 14 14 की 4 हासिल का 1 1 में 3 जोड़े तो कितना हो गया, 1 में हम। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, ये 5 में 9 जोड़े तो 14 की 4 हासिल का 1, 1 यहाँ पे आ गया, 1 में 3 जोड़े कितना हो गया, 4, तो यहाँ पे कितना आ गया, 44 आ गया। इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं हम, इसमें भी क्या दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं कितनी तीली यहाँ पे, 10 का 1 बंडल है
और तीली खुली तीली कितनी, 1 2 3 5, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपका। अब ये 10 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो 15 ओ सॉरी ये कितना शून्य हो गया, और ये 10 और 5 कितना हो गया, यहाँ पे आपका 15 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप 15 लिख देंगे। इस प्रकार से आपका जो तीली बंडल और अन्य वस्तु जैसे कंकड़ कंचे आदि जोड़ की अवधारणा के स्पष्ट करेंगे, इससे हासिल की समझ को भी विकसित होगी। इसके बाद नेक्स्ट अगली आपकी आओ करें सीखें क्या है, 12 है। इसमें क्या दिया था इसको देख लेते हैं हम, क्या कह रहा है, गतिविधि का नाम है कौन जीता, उप अवधारणा जोड़ की समझ। नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़कर समझे तथा चर्चा कर उत्तर लिखिए। देखिए एक प्रश्न दिया झटपट जोड़, जो ये वाला क्या है, झटपट जोड़, झटपट यानी कि हम कैसे झटपट जोड़ करेंगे उसके बारे में यहाँ पे बताया है। देखिए अनीशा ने 37 रुपये के सेब खरीदे, राजा ने 21 रुपये के सेब खरीदे, फल वाले ने कहा 37 का मतलब 30 और 7 और 21 का मतलब 20 और 1, इसलिए 37 और 21 मिलकर कितने बनेंगे, 58। तो देखो 30 और 20 कितना हो गया, 50, 7 और 1 8, तो 50 में 8 जोड़े तो कितना हो गया, 58 बन गया। तो इस प्रकार से 37 का मतलब उसने क्या किया, 30 को तीन दहाई को अलग तोड़ दिया और इकाई को अलग कर दिया, तो 3 दहाई 30 और यहाँ पे 21 के 2 दहाई हैं तो 20, और 3 दहाई और 2 दहाई मिल के कितनी दहाई बन गई, 5 दहाई यानी 50, 7 और 1 8। अब 50 में 8 जोड़े तो कितना हो गया, 58। तो इस प्रकार से आगे और दिया है, इसमें क्या कहा उसने, सोचें उसने 37 और 21 को फटाफट कैसे जोड़ दिया, चलो अब हम भी कोशिश करें, ज़रा इस जोड़ को देखें। देखिए यहाँ पे जोड़ दिया है 26 धन 43, तो 26 को क्या तोड़ दिया उसने, 2 दहाई और 6 इकाई में तोड़ दिया, और 43 को 4 दहाई यानी 40 और 3 इकाई में तोड़ दिया। फिर जो दहाई के मार्क अंक थे उनको जोड़ दिया उसने 20 और 40 और 6 और 3 इकाई के अंकों को, 20 में 40 जोड़े 60, 6 में 3 जोड़े 9 और 60 में 9 जोड़े 69। तो इस प्रकार से हमने ये कोशिश की है, जैसे यहाँ दिया 26 हुआ, 20 धन 6 43 हुआ, 40 धन 3। आगे आसान है, हम 20 और 40 जोड़ेंगे और 3 और 6 को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आपको जो नीचे, इसी प्रकार आपको जो आपकी रफ कॉपी रहेगी या होमवर्क कॉपी या ग्रह कॉपी, तो उसमें क्या करेंगे, इन जो नीचे प्रश्न दिए इनको भी इसी प्रकार से करेंगे। हमने यहाँ डायरेक्ट जोड़ के बता दिए, फिर भी पहले प्रश्न को हम डायरेक्ट जोड़ते हैं। देखो यहाँ पे कितनी दहाई है, 3 दहाई 3 दहाई 30, यहाँ पे 3 दहाई 30, 30 और 30 कितना हो गया, 60, 7 इकाई और 2 इकाई जोड़ा तो कितना हो गया, 9, 7 और 2 कितना हो गया, 9, तो 60 में 9 जोड़े तो 69। यहाँ पे 6 दहाई और 1 दहाई, 6 दहाई में 1 दहाई जोड़े तो 7 दहाई 7 दहाई यानी कितना हो गया, 70, और इकाई कितनी है, 3 और 2, 3 और 2 कितना हो गया, 5, 70 में 5 जोड़े तो कितना आ गया, ये आपका 75 आ गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितनी दहाई है, 2 दहाई 2 दहाई यानी कितना हो गया, 20, 2 दहाई यानी 20 हो गया। फिर यहाँ पे कितनी दहाई है, 3, तो 3 दहाई यानी 30। अब दोनों की इकाई में क्या है, 5 और 3 है, 5 और 3 कितना हो गया, 8, और ये क्या कि इसको जोड़े तो 20 30 50 और 8 58। तो इस प्रकार से आप इसको फटाफट जोड़ सकते हैं, झटपट जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार चौथे को भी करके बताएं, 27 में 41 जोड़े तो 68, 46 में 31 जोड़े 77 और 52 में 24 जोड़े तो 76। इस प्रकार से जो आपकी आओ करें सीखें यहाँ पे 32 कंप्लीट होती है, और हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको आओ करें सीखें 31 और 32 बताए। आपको हमने जो आओ करें सीखें झटपट जोड़ जोड़ की समझ जो बताए दी, आपके समझ आई तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।